कल्याणी काण्ववाणी विमृशति मधुरं वीणयन्ती च तत्त्वं तत्पूर्णानन्दतीर्थे मधुनिभयममी न्यद्वयं लीलयामः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वं विश्वेशामनुरञ्जनेन जनयन् आनन्दमिन्दीवरश्रेणी श्यामलकोमलैरनङ्गोत्सवम् स्वच्छन्दं व्रजसुन्दरीभिरभितः प्रत्यङ्गमालिङ्गितः शृङ्गारसखीमूर्तिमानिव मथो मुधो हरिः क्रीडति। नारायण नारायण नारायण। जो चीज आंख से नहीं दिखती है उसको मन में देखने के लिए एक ही उपाय है, वाक्य के द्वारा बोल करके शब्द के द्वारा वो हमारे हृदय में बैठा दी जाए। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं इसके लिए। जो चीज आंख से नहीं देखती है उस वस्तु को हृदय में बैठाने के लिए शब्दोच्चारण के सिवाय और कोई उपाय सोचें। जैसे अपना आत्मा है आंख से नहीं देखता, उसकी ब्रह्मता का अनुभव करवाना होए तो महावाक्य के सिवाय और कोई उपाय नहीं। श्री कृष्ण है, श्री राम है, नारायण है, शिव है, इनको हम लोग आंख से तो देख नहीं पाते, तो इनको अपने हृदय में बैठाने का उपाय क्या है? केवल वाक्य प्रमाण। वाक्य प्रमाण जहाँ श्रद्धा के विषय का प्रतिपादन करता है, जैसे स्वर्ग का, वैकुंठ का, वहाँ वो श्रद्धा मूलक प्रमाण होता है, और जहाँ आत्मा का प्रतिपादन करता है वहाँ अपरोक्ष अनुभव मूलक प्रमाण होता है। दोनों में फर्क है। स्वर्ग पर श्रद्धा कर लीजिए और अपना अनुभव कर लीजिए। आत्म विषयक जो वाक्य होता है वो अनुभव परिजोसाई होता है, और परोक्ष विषयक जो वाक्य होता है वो श्रद्धा पर्यवसायी होता है। ये दोनों का विवाह है। अब आप आओ अपने मन से संसार की वासनाओं को निकालने के लिए और परमानंद परम प्रेम स्वरूप प्रभु का आस्वादन करने के लिए वाक्य के द्वारा अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्थापित करें। ये मशीन की नोक पर यंत्र लगा के, खुरदबीन लगा के, सूक्ष्म वीक्षण यंत्र के द्वारा हम भगवान को देख लेंगे ऐसा कभी संभव नहीं है। उसके लिए वाक्य चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए मन की बनावट चाहिए। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है कि यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा हम इसको नाप लेंगे। तो अपने मन को उसके अनुरूप बनाना है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये देखो वृंदारण्य, अरण्य माने होता है शरण, अरली गतव धातु से अरण्य शब्द बनता है, अर्थम योग्यम, शरण लेने के योग्य। वहाँ कोई संसार का विक्षेप नहीं है, उसका नाम है अरण्य। इसके लिए
अयोध्या को भी प्रमोदारण्य बोलते हैं, नैमिषारण्य, प्रमोदारण्य ऐसे होता है, वृंदारण्य, ये सब अरण्य है। अरण्य अरण्य माने शरण लेने के स्थान। तो आओ वृंदावन में, वृंदारण्य। वृंदारण्य कैसा है? अपने मन में हो वृंदावन को, चाहे ले आओ अपने मन में और चाहे अपने मन को वृंदावन में कर दो। बोले बाबा जो होता है सो होने दो, आजकल ऐसे करते हैं, तुम तो देखते रहो देखते रहो, फालतू बात है, बुरा मत मानना आप लोग। आप स्त्री को तो सोच सोच के अपने मन में बैठाओगे, धन को तो चिंतन कर कर के मन में बैठाओगे, और तो जान बूझ करके आओ अपने मन को वृंदावन में डाल दें। और वृंदावन में देखो एक सांवरा सलोना, सांवरा माने रसवर्षी मेघ, जैसे बादल होता है रस की वर्षा करने वाला, ऐसा श्याम वर्ण। पंडित राज जगन्नाथ तो बड़ा सुंदर वर्णन किया, स्मृतापि करुणातपम करुणया हरंती नृणाम अभंगुर तनुत्विषाम वलयिता शतैर्विद्युताम कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। कादंबिनी माने घटा, रस वर्षुक जो घटा है, मेघमाला घटा, उसको कहते हैं कादंबिनी। परंतु ये कादंबिनी जो है ये तो कदंब के वृक्ष के नीचे खड़ी है, इसलिए इसका नाम कादंबिनी है। कदंब में से एक मदिरा भी निकलती है, बड़ी नशीली चीज है वो, एक मदिरा, एक शराब निकलती है कदंब में से, मधुधारा का क्षरण होता है। ये कादंबिनी है, रसवर्षिणी मेघमाला है, ये कदंब के नीचे त्रिभंग ललित भाव से खड़ी है, ऐसी कादंबिनी है। और इसको देख करके नशा आ जाए मन में, ऐसी कादंबिनी है। तो देखो वो तो घटा जब बरसती है तब गर्मी दूर होती है, और ये स्मृतापि करुणातपम करुणया हरन्ते नृणाम, इसकी याद भर कर लो। इतनी करुणा है इसमें कि आप इसकी याद करो और आपके मन में जो गर्मी है, आतप है, वो शांत हो जाएगा। और तो उस घटा में तो बिजली रहती है, यहाँ गोपियां रहती हैं। अभंगुर तनुत्विषाम, वो बिजली तो कभी चमकती है कभी गायब होती है, परंतु इस मेघमाला में जो बिजली है वो कभी चमकती कभी लुप्त नहीं होती है। अभंगुर तनुत्विषाम व्यतिरेक बताया, इनकी छटा, इनकी छवि छटा तो कभी बंद होती ही नहीं, ऐसी विद्युत विशेष चमक वाली गोपियां इस मेघमाला के, इस कादंबिनी के चारों ओर हैं। कलिंद गिरि नंदिनी तट सुरद्रुमालंबिनी, कलिंद नंदिनी कालिंदी जमुना जी के तट पर, और सुरद्रुम का कल्प वृक्ष का, वृंदावन का एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, वृंदावन के एक एक पत्थर के टुकड़े चिंतामणि है, वृंदावन की एक एक गाय कामधेनु है, गौएं हैं वहां की कामधेनु, कंकड़ पत्थर हैं चिंतामणि, और एक एक वृक्ष है कल्प वृक्ष। मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी, वो कदंब के नीचे जो मूर्ति है मेघमाला के समान रस बरसाती हुई, वो आकर के हमारे मन को, हमारी मति को चूम ले, वो हमारे मति में आकर के प्रवेश करे, चुंबन करे, स्पर्श करे। आओ वृंदावन में अपने मन को एक बार, दुकानदारी की बात छोड़ो, घर द्वार की बात छोड़ो, रिश्तेदार नातेदार की बात छोड़ो, दोस्त दुश्मन की बात छोड़ो,
अरे 5 मिनट भाई अपने मन को पिकनिक करने के लिए ले चलो, है ना, वहाँ का मजा ले आवे। सब कुछ छोड़ के शिमला जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, थोड़ी देर अपने मन को दुनियादारी के बोझ से अलग कर लो। देखो वर्धापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सायंकाल गोष्ठ में प्रवेश करते हैं, वृंदावन से लौटते हैं और गोष्ठ में प्रवेश करते हैं, और प्रातः काल गोष्ठ से निकलते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं। ये प्रातः काल की लीला है। प्रवेश कर रहे हैं, कैसे प्रवेश कर रहे हैं, पहले सिर की ओर देखा हो, दास्य भाव में पहले पांव की ओर देखते हैं और मधुर भाव में पहले सिर की ओर देखते हैं, मुख की ओर देखते हैं। ध्यान करने की पद्धति है, प्रेम में ऊपर से देखना शुरू करते हैं, नीचे तक देखते चले जाते हैं, नीचे से ऊपर तक चले, और दास्य भाव में अपने स्वामी को देखना हो तो पहले उसके चरणों से देखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ दृष्टि कहाँ गई, बरहापीरम, मयूर की जो पांख होती है वो फैल जाती है, एक बार सिमटी हुई होती है और एक बार फैल जाती है, फैलने वाली होने के कारण ही उसका नाम बर है, बृहवृद्धौ, वृद्धर्थक धातु से बढ़ जाता है वो। जो देखा, मेघमाला को देखा, गौएं समझती हैं कि जमुना जल सांवरा सांवरा आ गया हमारे सामने पीने के लिए, श्री कृष्ण को देखते हैं तो जमुना जल पीने के लिए कृष्ण की ओर दौड़ते हैं, मोर देखते हैं कि हमारा प्यारा प्यारा बादल धरती पर आ गया, वो उसको देख करके नाचने लगते हैं। वर्धा पीरम, ये मयूर पिच्छ है, जबते हरि भय पक्षधर तबते कहे सब मोर। सब मोर को मोर क्यों कहते हैं, भगवान उसकी पांख को अपने सिर पर लगाते हैं, मोर है, मोर है माने मेरा है, मेरा है, मोरा है। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, मोर बोलते हैं, मोर बोलते हैं, ये मोर है, मोर की पांख। उसके द्वारा मनुष्य के हृदय में एक प्रेम की वेदना उत्पन्न करते हैं, जो भगवान की ओर से विमुख हो गए हैं उनके हृदय में भगवान के विरह की एक कसक पैदा हो जाए, एक फूंक उठ जाए मनुष्य के हृदय में, वो मयूर पिच्छ। वैसे मूर्ति रहस्य में ऐसा आता है भागवत में कि ब्रह्मलोक जो है वही भगवान का मुकुट है, ऊर्ध्व भाग में है, उनके पांव में धरती है और मुकुट में उनके मुकुट में ब्रह्मलोक। नटवर वपुः, नट भी बने हैं और वर भी बने हैं, नटवत वरवच्च वपुर यस्य। कोई कोई अवतार धारण करते हैं तो एक बार वर बनते हैं, एक बार दूल्हा बनते हैं, और कृष्ण तो रोज जब निकलते हैं घर से वृंदावन में जाने के लिए तो दूल्हा बन के निकलते हैं। ये वरेण्य है, वो वरेण्य गायत्री में आप लोग पढ़ते हैं ना, वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम वरणीयम। ईश्वर में भी यदि वर न हो तो ईश्वर ईश्वर ही नहीं बनेगा। देखो ईश्वर शब्द की प्रकृति पर ध्यान दो, अगर ईश्वर में वरच प्रत्यय न हो, वर न हो, तो ईश्वर कैसे बनेगा। वो वरणीय है, वो गायत्री का वरेण्यम है, भगवान श्री कृष्ण वरणीय हैं, वो वर हैं, वर हमारी चित्त वृत्ति के असली दूल्हा वही हैं। अमृत वर्षी बपू है, रस की रश्मियां प्रवाहित होती रहती हैं चारों ओर, वम पुष्णाति अमृतम पुष्णाति, कानों में कर्णिकार का पुष्प।
दोनों कान में एक ही पुष्प कभी इसमें कभी उसमें लगाते हैं, ये मतवालेपन की सूचना है। कर्णयो कर्णिकारम्भ निर्गंध पुष्प, अरे गंध नहीं है तो क्या है, अपने को सुगंध नहीं चाहिए, सोने का हीरे का मुकुट नहीं चाहिए हो, वृंदावन के मोर का मुकुट चाहिए, सोने का हीरे का नहीं चाहिए, और गुलाब का कमल का सुगंधित फूल नहीं चाहिए, अमलताप का बिल्कुल निर्गंध फूल चाहिए। कर्णिकारम विभ्रद्वा वैजयंती मालाम पचरंगे फूल, वृंदावन के जंगली पहाड़ी फूल उनकी बनवाला। और महाराज देखो आश्चर्य, पितर वीर नस्ते धरामृतम, गोपियां कहते हैं ये आपका जो अधरामृत है ये इतर राग विस्मारण है, इसका स्वाद आ जाए इसका रस आ जाए तो दूसरे के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। इतर राग विस्मारणम, दूसरे से राग कभी हुआ भी हो, प्रेम कभी हुआ भी होए, तो किसने हमसे प्रेम किया है और हमने किससे प्रेम किया है, ये दोनों बात अपने दिल में से बिल्कुल भाग जाए। इतर राग विस्मारण है ये अधरामृत। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, सुरत सुख को बढ़ाता है शोक को नष्ट करता है, सुरीली बांसुरी इसका चुंबन करती है दूसरे राग को मिटा देता है, ऐसा ये अधरामृत जब धरामृतम नभवती, ये धरामृत ये धरती का अमृत, ऐसा दुर्लभ अधरामृत। क्या करते हैं गोपियां तो प्रार्थना ही करती रह गई, अधर शीधुना प्यायस्वना, अधर का जो शीधु है शेते अनेना इति शीधु मध्यम, ये जो आपके अधर का मध्य है इससे हमको तर कर दो। गोपियां तो प्रार्थना ही करती रह गई और इधर बांसुरी वेणु पुरुष जाति वेणु ये कोई अधरामृत का अधिकारी है, तो आपको सुनाया कि भगवान स्वयं अमृत है और स्वयं उस अमृत के भोगता है, अपने हृदय में जो अमृत है उसको अपने कंठ में लाते हैं, मुख में लाते हैं, अधरों में लाते हैं, बांसुरी में भर कर बिखेरते हैं और सबके कान में पड़ करके वो सबके हृदय को भर देता है, और भर देता है तो फिर छलकता है, जब छलकता है तो स्वयं अपने ही अमृत का पान करते हैं। लेकिन रंधान बेड़ो हो, गोपी कहते राम राम ये बांस, ये बांस और इसके भी छेद छिद्र, उनमें अपने ऐसे बहुमूल्य ऐसे अनर्घ अमूल्य अधरामृत को ये डालकर बिखेर रहे हैं, इनके पास बहुत है, क्या हम ही अभागिन है कि हमको ये न मिले। रंध्रान वेणोर अधर सुदया पूरयन, गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, गोप वृंदैर गीत कीर्ति कीर्ति का गान हो रहा है। ये आप लोगों ने ध्यान जरूर दिया होगा, कृष्ण की माता का नाम है यशोदा और राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति की बेटी है राधा और यश की बेटे हैं श्री कृष्ण, माने जो उनके यश का गान करता है यश का श्रवण करता है उसके हृदय में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, और जो भगवान की कीर्ति का गान करता है उसके हृदय में राधा प्रकट होती है। राधया माधवो देवो माधवे नच राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वा, ऋग्वेद के परिशिष्ट में ये मंत्र आता है, राधा से माधव और माधव से राधिका, राधा माधव दोनों युग्म हैं, एक स्वरूप सदा द्वय नाम,
आनंदी अहलादिनी श्यामा, अहलादिनी के आनंद श्याम एक स्वरूप सदा द्वय नाम, तत्व एक है, स्वरूप एक है, नाम दो है, राधा माधव है, माधव राधा है, वही रस वही स्वाद। और एक जगह पीला होके आता है, एक जगह सांवरा होके आता है, एक जगह स्त्री आकृति में है, एक जगह पुरुष आकृति में है। तो गोप वृंद कीर्ति का गान करते हैं, श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हैं। जहाँ कीर्ति का गान होगा वहाँ राधा आएंगे, और जहाँ राधा होंगे वहाँ श्री कृष्ण होंगे। राधा और कृष्ण ये दोनों एक हैं, गीत कीर्ति ही, कीर्ति का गान हो रहा है। यदि आप चाहें कि हमारे जीवन में राधा कृष्ण का प्रेम प्रकट हो, हमारे हृदय में राधा कृष्ण प्रकट हो, तो आप निर्द्वंद्व उनकी कीर्ति का, उनके यश का गान कीजिए, श्रवण कीजिए। यही प्रभु की प्राप्ति का उपाय है, यही प्रभु को प्रसन्न करने का उपाय है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद, वृंदारण्यम ये तुलसी जी का वन है, तुलसी के समान वृक्षों का वन है, वृंदा सखी का वन है, राधा का वन है, ऐसे वृंदा शब्द के अनेक है। प्राविशत का अर्थ बहुत विलक्षण, एक तो वृंदारण्य की महिमा बताई, वैकुंठ में उतने खुश नहीं रहते हैं भगवान, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी ने ऐसी मोर्चा बंदी कर रखी है कि पृथ्वी देवी का स्पर्श भी न प्राप्त हो भगवान को। सौतिया दा श्री देवी और भू देवी, नीला देवी और नीला देवी को छोड़ दो, गोदाम्बा का एक नाम, एक श्री देवी एक भू देवी, तो वैकुंठ है लक्ष्मी का राज्य। लक्ष्मी जी तो नया नया वैकुंठ भी बनवाती रहती है, भगवान से कह देती इस पुराने मकान में रहते रहते मेरा मन अब उब गया, एक नया वैकुंठ बनवा दो, तो रमा वैकुंठ बनवाते हैं भगवान, नया नया वैकुंठ बनवाती रहती है। कुंठा रहित जो बुद्धि है उसको बोलते हैं विकुंठा, विगत कुंठा, जिसमें कुंठा नहीं है उस बुद्धि का नाम है विकुंठा। उस विकुंठा रूप बुद्धि में जिनका निवास है उनका नाम है वैकुंठ, पर वहां लक्ष्मी का साम्राज्य है, वहां पहचान होती है, लक्ष्म रहता है भगवान के, भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जमी रहती है। कई लोग आते हैं तो लक्ष्मी को देख के लौट जाते हैं, भगवान का दर्शन ही नहीं करता, लक्ष्मी बैठी रहते हैं कहीं किसी दूसरी को अपने हृदय से न लगा ले, छाती पर पहरा लेके बैठे, वो भगवान से मिलाने के लिए लोगों को आगे बैठे, आओ आओ हमारे प्यारे का दर्शन। परंतु वैकुंठ में उन्होंने भू देवी के लिए एक कण स्थान भी नहीं छोड़ा, सोने की धरती बना दी वैकुंठ में, और अमृत के जलाशय कर दिए, और वहाँ वृक्ष जो हैं कब वो भी हीरा मोती के पेड़ बना दिए, तो पृथ्वी देवी को छूने नहीं दिया, तो भगवान उठ गए और देखो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपदादपि रमणम, स्वपदाद वैकुंठादपि रमणम। भगवान को वैकुंठ प्यारा नहीं है, वो सोने की राजधानी भगवान को प्यारी नहीं है, भगवान को प्यारा है ये तुलसी का वन, ये धरती, ये जंगल, ये पहाड़, ये गौएं, ये ग्वालबाल, उनको अपने वैकुंठ से भी रमणीय मालूम पड़ते हैं। वहां वैकुंठ में उनको मजा नहीं आता, मजा तो आता है वृंदावन में। स्वपद रमणम, स्वपदात ब्रह्मणोपि रमणम, स्व
स्वपद जो है, स्वपद का जो अर्थ है स्वपदा ब्रह्म बना, निर्विकार निर्विका, निराकार निर्विका, निर्विशेष निर्धर्म, अरे निर्निर चाहे जिसमें लगा दो, चाहे जिसमें निर लगा दो ब्रह्म हो गए, निर्विकार निर्विशेष निर्धर्मक निराकार निर्विषय निर्वृत्ति और निराश्रय, कुछ भी जोड़ दो निर जोड़ दो हो गया। बोले बाबा अब निर्निर से घबरा गए, उसमें आनंद नहीं आता है, अब तो वृंदावन में तो जमुना जी अच्छी लगती है। निर नहीं नीर, निराकारम भजन्ते कि निराकारम तथा परे, वयम तु ताप संतप्ताः निराकारम उपासना। कोई निराकार की का भजन करते हैं, कोई निराकार का भजन करते हैं। बाबा हम तो गर्मी के सताए हुए हैं, ताप संतप्त हैं, हम तो निराकार की उपासना करते हैं, न निराकार न निराकार निराकार। तो उनको तो वृंदावन अच्छा लगता है, वृंदावन की लता, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के पुष्प, वृंदावन के फल, वृंदावन की भूमि, ब्रजराज, ब्रजराज में लौटते हैं और लोट पोट होते हैं। ब्रज माने ब्रह्म रज, ब्र पहला अक्षर है और ज अंतिम अक्षर है, ब्रह्मरज। ब्रह्मरज का संक्षेप है ब्रह्म का ब्र और रज का ज, ब्रज ब्रह्मरज। वहां की धूली ब्रह्ममयी है, वहां के रजक कण ब्रह्म रूप है। स्त्री राधा पुरुष कृष्ण विज्ञेयो ब्रज मध्यगः, वहां स्त्री जाति का जो कुछ है सब राधा, वहां पुरुष जाति का जो कुछ है वो सब कृष्ण है। वहां की जमुना का जो पुलिन है तिल तंदुलायमान, एक श्वेत वर्ण का बालू कण, एक कृष्ण वर्ण का बालू कण, एक गोरा एक सांवरा, ऐसा वृंदारण्य वृंदारण्य। एक दुमिल बन है वो ब्रज में, अब तो कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। हमारे बचपन में वहाँ एक पेड़ था दुमिल बन में, तो वो लता वृक्ष से लिपटी हुई थी, दोनों एक साथ पैदा हुए थे एक साथ, उसमें से मधु क्षरण होता रहता था। संत लोग अपना कमंडलू लगा के उसमें से मधु ले लेते थे और पीते थे। दुमिल बन लता के रूप में राधा, वृक्ष के रूप में श्री कृष्ण, लता और वृक्ष, लता और वृक्ष। वहां देखो एक कुंड है, कृष्ण कुंड का पानी राधा कुंड में, राधा कुंड का पानी कृष्ण कुंड में, राधा कृष्ण कुंड आपस में हिलोरे लेते रहते हैं। कृष्ण कुंड का पानी राधा कुंड में, राधा कुंड का पानी कृष्ण कुंड में। तो ये गौर श्याम वृंदारण्यम, उसको राधा कृष्ण कुंड बोलते हैं। ये वृंदारण्य है, ये ब्रज है, ये कैसा है कि स्वपद रमणम, स्वपदै ही अंकितै ही रमणम, जहां देखो वहां। भाई यहां जाओ तो बोलेंगे ये अमुक सेठ की कोठी है, यही तो बोलेंगे, ये अमुक सेठ की कोठी है, ये अमुक सेठ की कोठी है, ये अमुक राजा का महल है, ये सरकार का अमुक काम यहाँ होता है, ये दुकान है, ये व्यापार है। ब्रज में जाओ ये देखो, यहाँ श्री कृष्ण ने चीरहरण किया है, ये चीरहरण घाट है, यहाँ रासलीला की है, ये रासलीला मंडप है, ये वो कदम है जिसमें उन्होंने माखन खा के अपना हाथ पोंछ दिया था, ये सेवा कुंज है, ये निधिवन है, ये गिरिराज है, ये बरसाने है, ये नंदगांव है, ये वृंदावन है, ये गोकुल है। आपको दोनों में फर्क नहीं मालूम पड़ता? किसी मकान को देख के सेठ की याद आवे और किसी स्थान को देखकर भगवान की याद आवे, कोई ममता किसी पर ममता करके जो कब्जा किए हुए है बैठा हुआ है, किसी चीज को देख करके
उस पर ममता करने वाले की याद आवे और किसी वस्तु को देख करके निर्मम शांत रस का उदय हो, ये साक्षात भगवान का है, दूसरे का नहीं। दोनों में फर्क होता है। स्वपदई ही अंकितई रमणम, निर्मम वस्तु के दर्शन से अंतःकरण शुद्ध होता है और ममता पूर्ण वस्तु के दर्शन से ये हमको अनुभव हुआ। कब अनुभव हुआ? हम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं। ओ हिमालय, वो हरियाली, वो गंगा जी की धारा, वो जगह जगह झरने, वो छोटी छोटी नदियां, वो वृक्ष, वो लता किसके हैं? उनको देख करके किसी मनुष्य मालिक की यादें नहीं आती है। ये पहाड़ किस मनुष्य का है, ये गंगा जी किस मनुष्य की है, ये वन किस मनुष्य का है। जिस चीज को देख करके इसका मालिक अमुक है, ऐसी याद आ जाती है, वो हृदय में ममता और वासना उत्पन्न करती है वो चीज। और जिस वस्तु को देख करके निर्मम दर्शन हो रहा है, शांत गंगा जी की धारा बह रही है, हरियाली है, बर्फ है, बर्फ का पहाड़ है, किसका है? वहां मालिक की याद नहीं आते। वो तो सब ईश्वरीय है, ईश्वर का प्रसाद है। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, कोई कोई इसका अर्थ करते हैं स्वस्याह राधायाह पदई ही अंकितई ही रमणम। श्री कृष्ण जब वृंदावन में पधारते हैं, चलते हैं तो देखते हैं स्थान स्थान पर श्री राधा रानी के चरण चिन्ह हैं। अपने प्रियतम से संबद्ध वस्तु का दर्शन करने से हृदय में रस का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है। वृंदावन को देख के परम प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण भी प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर् नृप। उत्तम प्रेम का उदय होता है उसको देख करके। एक अधम प्रेम होता है, एक मध्यम प्रेम होता है, एक उत्तम प्रेम। श्री कृष्ण के हृदय में वृंदावन के दर्शन से उत्तम प्रेम का उदय होता है। तो हरिवंश जी ने तो ऐसा वर्णन किया है कि आगे आगे गौएं चली और पीछे पीछे ग्वाल और बीच में श्री कृष्ण, मोर मुकुट वाले, पंछी वाले, पीताम्बरधारी, सांवरे, सलोने। सलोने तो आप लोग जानते ही होंगे, घुघनी बनाते हैं चने की सलोनी, चटपटा मसालेदार, जिसको देख के जीभ पर पानी आ जाए हो, जिसको देख कर आंखें तरस जाएं, उसको सलोना बोलते हैं। लावण्य धाम, माधुर्य धाम, मिठास में उन्होंने सब तुम्हारे रसगुल्ला और संदेश और चमचम सब चीखे पड़ जाते हैं उसके सामने। और नमकीन में चटपटा मसालेदार चना क्या काम आवे, उसके सामने क्या है दही बड़ा, वो क्या है? सलोना है, सलोना। वो मन के लिए सलोना, चटपटा नमकीन, सलोना माने नमकीन, लोन माने नमक, सलोना। जीभ पर पानी आ जाए, आंख में पानी आ जाए, दिल पानी पानी हो जाए, द्रवित हो जाए। इति वेणुरवम राग, देखा उन्होंने चलते चलते, देखा कि एक जगह श्री राधा रानी के चरण चिन्ह है। तो गौएं गई आगे, पीछे ग्वाल बाल देखते ही रह गए। वो तो जाके राधा जी के चरण चिन्ह पर अपना शरीर करके और लटक के खड़े हो गए। इस हरिवंश ने वर्णन किया, तो ऐसा क्यों किया? तो धूप पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो श्री राधा रानी के चरण चिन्ह पर धूप पड़ने से उन चिन्हों को ताप पहुंचेगा, कष्ट पहुंचेगा। इसके लिए श्री कृष्ण ने अपना शरीर बीच में कर दिया कि श्री राधा रानी के चरण चिन्हों पर धूप न पड़े। ये वर्णन श्री हितरवंशी महाराज ने चौरासी में।
नारायण, ऐसी वृंदावन की भूमि और वहां बाज रही बांसुरी। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वाः वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। ये है बंसी ध्वनि वेणुरम। ये कैसा है? बोले सर्वभूत मनोहरम। यही सारे वेणु गीत में इसी पद की व्याख्या है, सर्वभूत मनोहरम। वो संपूर्ण प्राणियों के मन को हरण कर लेता है। भाई जादू टुको जो सिर पर चढ़ के बोले, जादू वो बोलते हैं, जादू वो है, क्या है? सर्वभूत मनोहरम। वर्णन आया आगे वेणु गीत में, एक वर्णन है, स्वर्ग में देवी लोग मान करके बैठे। मान करना तो आप लोग जानते हैं, रूठना, पत्नी पति से रूठती है, रूठने का स्वभाव प्राय स्त्रियों का होता है, पर रूठना सबको नहीं आता है। रूठने की रीति जानो तो रूठो, और न जानो तो रूठने की जरूरत नहीं है। रूठने की रीति यह है कि पहले तो विश्वास होना चाहिए पक्का कि हम रूठेंगे तो सामने वाला मना लेगा और यदि मनाने पर विश्वास न हो, हाँ कहो चले जाएंगे, गाय भूखी हो तो रहो, है पढ़ो, हम नहीं जानते, तो रूठने ही नहीं चाहिए, अपने काहे को बेइज्जत करवाना। दूसरी बात यह है कि रूठने में जिससे रूठे उसकी भलाई के लिए रूठे, अपनी साड़ी के लिए, अपने कपड़े के लिए, अपने भोजन के लिए, स्वयं कुछ मांगने के लिए, जेवर के लिए, पैसे के लिए नहीं रूठना चाहिए, अपने सुख के लिए नहीं रूठना चाहिए। रूठना चाहिए जिससे रूठे, तो उसने आज ठीक भोजन नहीं किया, स्नान नहीं किया, चाय नहीं पी, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसके लिए मुंह थोड़ा फुला लेना चाहिए। ऐसा रूठना ऐसा होता है। मान करने की भी विद्या होती है, विधा होती है। तो देवी लोग रूठ गए किसी कारणवश। अब इसी बीच में श्री कृष्ण की बांसुरी, देवता लोग मनाते मनाते थक गए, कोई माने ही नहीं, इसी बीच में श्री कृष्ण की बांसुरी बज गई, पहुंच गई स्वर्ग में, बंसी ध्वनि पहुंच गई स्वर्ग में। श्रुत्वाच तत्क्वणित वेणु विचित्र गीतम। वेणु पर जो गूंज रही है संगीत, उसको देवियों ने सुन लिया। देवियो विमान गतयः स्मरण सारः प्रश्यत प्रसून कबरा मुमुहुर्विनीव्यः। देवताओं ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया हुआ, श्री कृष्ण की बांसुरी बजी, तो देवी जी आपकी रुचि है, तो चलें आपको ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन कराया मैं, आप विमान में बैठ जाइए, विमान में बैठ जाइए, विमान हो जाइए, विमान गतया, अपना मान छोड़ दीजिए, तो हम आपको श्री कृष्ण का दर्शन करा के ले आवे, उनकी बांसुरी का श्रवण करा के लावे। तुरंत महाराज मान छूट गया, अच्छा चलो, तैयार होने में भी देर नहीं लगाई हो, वैसे स्त्रियों को तैयार होने में बहुत देर लगती है। ये तो वर्णन है कि गाय के शरीर में स्थापना के लिए ब्रह्मा जी ने सब देवता देवियों को आमंत्रित किया, तो लक्ष्मी जी श्रृंगार करने में लग गए और समय से पहुंची नहीं, गाय का सारा शरीर भर गया। गंगा जी को भी देर लग गई श्रृंगार करने में कि चलेंगे गाय के शरीर में, तो और जब आई तो गाय का शरीर बन चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा आप जगह नहीं है, तो बोली नहीं भाई हमको तो पंक्ति में बैठाओ, तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी को और गाय के मूत्र में गंगा जी को ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया। तो इन लोगों को देर क्यों हुई, गोबर में लक्ष्मी क्यों और मूत्र में गंगा जी क्यों? बोले उनको श्रृंगार करके आने में वहां बहुत विलंब हो गया था। तो अब जब देवताओं ने कहा देवियों से कि चलो श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि पास से सुनो, दर्शन भी करो,
उनके मुखार बिंद को देखो, हम भी साथ चलते हैं। देव्यो विमान गतयः स्मरणुन्न साराः। श्री कृष्ण को देखकर उनकी बंसी ध्वनि सुन करके ऐसी दशा हुई देवियों की कि स्मर ने उनके हृदय को घायल कर दिया। प्रस्यत प्रसून कबराः। उनके कबर में, उनके जूड़े में जो फूल लगे हुए थे वो गिरने लगे, और बिनी व्याह उनके शरीर पर जो वस्त्र था वो अपने आप खिसकने लगा। तो श्री कृष्ण की वंशी सर्वभूत मनोहरम देवियों को ऐसा मोहित करती है, ऐसा मोहित करती है। धन्यास्मा मूढ़मतयोपि हरिणेता जानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण्य वेणुरणितम सह कृष्ण साराः। पूजाम दधुर्विरचिताम प्रणयावलोकैहि धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिणेताः। सुखदेव जी गोपियों की जीप पर बैठ के बोल रहे हैं, एता हरिण्यः जा खलु हरिम नयन्ति। हरिम नयन्ति इति हरिण्यः, जो हरि के पास पहुंचा दे उसका नाम हरिणी। नयन्ति प्रापयन्ति, नहीं है प्रापण। हमारे एक महात्मा थे और गहबर वन में भजन करने बैठ गए। अब बैठ गए तो रात हो गई, रास्ता भूल गया, कहाँ जाएं, उठे तो कहाँ जाएं, किधर जाएं, कुछ पता नहीं। एक हरिणी आ गई, उनके मन में आया कि बस अब इसी के पीछे चलेंगे, इसी का आश्रय। हरिणी आगे आगे चली, वो पीछे पीछे चले और बरसाने ला के छोड़ दिए, बरसाने पहुंचा दिया। हरिम नयन्ति इति हरिण्यः, जो भगवान के पास पहुंचा दे उनका नाम है हरिणी। सुखदेव जी बोल रहे हैं धन्यास्म मूढ़मतयोपि, इनको ज्ञान नहीं है तो क्या, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो क्या, मूढ़मति है तो क्या, हमारी मूढ़ता हमको मुबारक हो, हमारा अज्ञान हमारे लिए धन्य है, हमको ज्ञान नहीं चाहिए। देखो ना ये हरिणी, इन्होंने कौन सा वेदांत पढ़ा है कि ब्रह्म ज्ञान सीखा है। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिणेताः। क्या विषयता, एताकार तो बिल्कुल आंख के सामने दिख रही है, गोपियां हरिणियों को देख रहे हैं, माने गोपियों का मन हरिणी हो होकर भगवान को देख रहा है, उनको अपना गोपीपना भूल गया। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता जानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। नंद नंदन आज विचित्र वेश धारण करके आए हैं, अद्भुत वेश है। खड़िया कहीं लगी है शरीर में, कहीं गेरू लगा है और कहीं पत्ते बांध रखे हैं शरीर में, विचित्र वेशम। आकर्ण्य वेणु रणितम, उन्होंने बंसी ध्वनि सुनी हरिणियों ने, उनको तो बाजे का बड़ा शौक होता है, हरिणियों को बाजा सुन के तो मुक्त हो जाती है, पकड़ी जाती है, बंधन में पड़ जाती है, बाजे की बहुत प्रेमी है। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, हरिणियों के पति का नाम है कृष्णसार। कृष्णसार मृग होते हैं, कृष्णसार मृग, देखो नाम का उपयोग किया हो, कृष्ण सारा। गोपी कहती है कि ये जो हरिणी है इनके पति तो कृष्णसार है, कृष्ण हृदय है। जैसे हरिणियों के हृदय में कृष्ण की भक्ति है, वैसे इनके पतियों के हृदय में भी भक्ति है, इसलिए ये अपने पतियों को साथ ले लेकर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए और उनकी बंसी ध्वनि सुनने के लिए आ जाती हैं। और पूजाम दुर्विरचिताम, और हम, हमारे पति, हम ज्ञानी हैं तो क्या, हम समझती हैं, कृष्ण को पहचानती हैं तो क्या, धन्य तो हैं ये हरिणियां, अपने पति के साथ ये आती हैं कृष्ण की पूजा करने के लिए, और हम
समझदार हैं तो क्या, मनुष्य हैं तो क्या, कृष्ण की सजातीय हैं तो क्या, हम अपने पति देवों के साथ नहीं जा पाते उनका दर्शन करने के लिए और बंसी सुनने के लिए। सह कृष्ण तारा पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि। पूजा क्या है, हरिणिया कृष्ण की पूजा करते हैं और अपने पति के साथ, जैसे कोई गांठ जोड़ करके करे, कृष्ण सार मृगों के साथ जैसे गांठ जोड़ करके दोनों निर्निमेश नेत्रों से देख रहे हैं। बड़ी बड़ी आंख हरिन की, हरिणी की आंख जरा बड़ी बड़ी सफल हो गई। कृष्ण को देखने से बड़ी बड़ी आंखों की सफलता है, नहीं तो बड़ी बड़ी आंख के चिन्ह तो मोर के शरीर में भी होते हैं, उनसे क्या फायदा है। तो वो पूजा कर कृष्ण कार करते हैं। ऐसे प्रणयावलोकई, प्रेम भरी चितवन से निर्निमेश नयनों से कृष्ण की ओर देखते हैं, ये उनका सत्कार है। अथवा श्री कृष्णेन प्रणयावलोकैर विरचिताम पूजाम स्वस्मिन् दधो। जब श्री कृष्ण प्रेम की नजर से हरिणी को देखते हैं, हरिण को देखते हैं, तो उनको लगता है श्री कृष्ण हमारा सत्कार कर रहे हैं और वो प्रेम से गदगद हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। सर्वभूत मनोहरम इति वेणुरवम राजन, सर्वभूत मनोहरम हरिणियों के मन को हर लेता है, देवियों के मन को हर लेता है, गायों के मन को हर लेता है, बछड़ों के मन को हर लेता है। गावश्च कृष्णमुख, गावश्च कृष्णमुख निर्गत वेणु नादो पीयूषमुत्थित कर्णपुटैः पिबन्त्यः सावास्न स्नुतस्तनपयः कवलास्न तस्तुर गोविंदमात्मनि दृशा। कुशलता का भी मन हरण करता है, गायों का तो पूछने के। कृष्ण मुख निर्गत वेणु नाद पीयूषम, वेणु गीत पीयूषम उत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः। गाय अपना सिर उठा लेते हैं, कान खड़ा कर लेते हैं और श्री कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं उनके वेणु गीत का जो अमृत प्रवाहित होता है उसको कान खड़ा करके पीती है। और गौएं तो गौएं सावा, उनके जो बच्चे हैं वो पी रहे थे दूध, गौएं चर रही थी हरी हरी घास और बछड़े पी रहे थे अपनी माताओं गौओं के दूध। इसी बीच में बजी बांसुरी और बांसुरी बजी तो क्या हुआ, सावास्नुतस्तनपय कवलास्म तस्थुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकला स्पृशंत्या। गायों के मुंह में जो घास थी वो मुंह में ही रह गई, न उनको उगल सके वे और न तो निगल सके, ज्यों की त्यों मुंह उठ गया, कान खड़े हो गए और वेणुनाद श्रवण करने लग गई। खुली आंख से श्री कृष्ण का रूप देखें और कान खड़ा करके बंसी ध्वनि सुने और मुंह में जो घास है वो ज्यों की त्यों न उगल पावे न निगल पावे। और बच्चे पी रहे थे दूध, बछड़े पी रहे थे दूध, स्नुतस्तनपय कवलास्मतस्थु, उनके मुंह में जो गाय के थन से दूध आ गया था, बड़ा स्वाद आ रहा था। लेकिन इसी बीच में बट बज गई बांसुरी, अपनी माँ गाय के दूध का स्वाद भूल गया, न वो दूध को मुंह से उगले और न निगले, उनके मुंह में दूध भरा हुआ है, उनके मुंह में दूध भरा हुआ है और वो दूध पीना बंद करके देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, जिधर से बंसी ध्वनि आ रही है, गोविंदमात्मनि, उनके हृदय में गोविंद है, वही पीतांबरधारी मुरली मनोहर श्याम सुंदर, गायों के हृदय में भी वही, बछड़ों के हृदय में भी वही। और दृशाश्रुकला स्पृशंत्या, आंखों से बूंद बूंद आंसू टपक रहे हैं, बछड़ों के भी और गायों के भी आंखों में आंसू हैं, हृदय में श्री कृष्ण हैं, मुंह में ग्रास है, ज्यों का त्यों और निर्निमेश नैनों से
श्याम सुंदर को देख रहे हैं, ये है बंसी। बंसी यानी इसको बोलते हैं वेणु गीत। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये हरिणियों को, गायों को, बछड़ों को, देवियों को और सुनाने जा रहे हैं। ओम।